दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में सोलर के जो सीरीज कनेक्शन होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं, वे कैसे किए जाएं, उन सब के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। तो काफ़ी दोस्तों ने मेरे पास रिप्लाई भेजा और कमेंट किया कि आप जो पैनल कितने प्रकार के होते हैं उन पैनल के बारे में बताएं, और जो पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन जो पैनल होते हैं उनकी पहचान कैसे करें। देखिए, हमारे इंडियन मार्केट में बेसिकली दो तरह के पैनल अवेलेबल हैं, एक पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल और दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा पैनल अच्छा होता है। तो आप ध्यान से देखना। देखिए, ये मेरे पास 150 वाट का पैनल अवेलेबल है जो कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है। मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन दो तरह के पैनल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोनो में क्या डिफरेंस होता है और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल में क्या डिफरेंस होता है और इनकी पहचान कैसे करें। देखिए, जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होते हैं उनकी जो फिनिशिंग होती है और शेप जो होती है वो पॉलीक्रिस्टलाइन से अच्छी होती है। और एक इनमें देखिए, एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल में ये होता है, जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के जो देखिए फिनिशिंग है, फिनिशिंग के हर एंड पॉइंट पे स्टार जैसा ये बनता है। सिलिकॉन से बने होते हैं ये पैनल, ठीक है। देखिए, स्टार आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिखाई दे रहे होंगे साफ, ठीक है। जो मोनो पैनल होते हैं उनमें ये स्टार बनेगा और इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होगी। इस एक को हम सेल कहते हैं, ये सेल होता है एक। देखिए पैनल, ये 36 सेल का पैनल है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये 36 सेल का पैनल है, इसको काउंट करने के लिए देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये एक सेल, दो, तीन, चार। इसी तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ तो 36 सेल, 36 सेल का पैनल है। और ऐसे ही पैनल 60 सेल में भी होते हैं। जो 60 सेल का पैनल होगा 250 वोट में होगा। उसके बाद में पैनल 72 सेल में भी आते हैं। 72 सेल वाला पैनल जो होता है वो 300 वाट में होता है। और जो अब बात ये आती है कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल अच्छे होते हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल अच्छे होते हैं। देखिए, जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होते हैं वो अच्छे होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से। और क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का जो पावर का आउटपुट है वो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से कहीं ज़्यादा होता है। और मार्केट में इसका रेट भी 3 से 4 रुपये पर वाट ज़्यादा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से, ठीक है। और इन पैनल का यूज उन जगह पे किया जाता है जहाँ पे सनलाइट कम जाती है। जिन इलाकों में सनलाइट की दिक्कत होती है उनमें हमेशा मोनोक्रिस्टलाइन पैनल लगाते हैं, क्योंकि ये इनका जो वर्किंग टाइम है और जो इनकी एफिशिएंसी है और जो पावर आउटपुट है वो पॉलीक्रिस्टलाइन से ज़्यादा होता है। मोनोक्रिस्टलाइन की पहचान तो आपने कर ली होगी, इस तरह के स्टार और फिनिशिंग अच्छी काफ़ी अच्छी होती है और ये स्टार बने होते हैं हर सेल में, हर सेल के चारों तरफ स्टार बना होता है, ठीक है। जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होंगे उनमें सीधी स्ट्रेट लाइन होंगी और उनके सेल के एंड में ये स्टार बने हुए नहीं होंगे उनका, और जो उनका कलर है वो ब्लू होगा। इसका कलर आप देख रहे हैं, इसका कलर ब्लैक है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का कलर ब्लू होगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि कौन से पैनल अच्छे होते हैं और पॉली और मोनोक्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।